हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सिंपल हाउसवाइफ लाइफस्टाइल। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। हमारे डेली के डिसीजन एंड हैबिट्स ही है जो हमारी सक्सेस एंड हैप्पीनेस का लेवल सेट करती है, चाहे वो गुड हैबिट हो या फिर बैड हैबिट। ये गुड हैबिट ही है जो हमें लाइफ में ग्रो होने में बहुत हद तक हेल्प करता है, उसके साथ साथ हमें मोर प्रोडक्टिव बना देता है एंड वी बिकेम मोर एक्टिव। लंबे टाइम के लिए हम लोग जब रिपीटेडली कोई काम करते हैं तो वो स्लोली स्लोली हमारे हैबिट में आ जाता है। आज हम लोग साथ ऐसे हैबिट के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग अगर फॉलो करें तो शायद हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा स्मूथ हो सकती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। सोने से पहले अपना ब्रश करें, हो सके तो थोड़ा सा शावर ले लीजिए, एक साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए, अपने स्किन का बहुत अच्छे से केयर कीजिए, थोड़ा सा फेस वॉश कर लीजिए, अच्छा सा कोई क्रीम लगा लीजिए, कुछ भी आप कीजिए लेकिन अपने लिए कुछ कीजिए। इससे आपको एक ब्यूटीफुल स्किन तो मिलेगा ही और उसके साथ साथ ये आपके एजिंग के प्रोसेस को भी प्रिवेंट करेगा। सेल्फ क्लीनलीनेस एंड सेल्फ हाइजीन, ये दो चीज़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम कैसा देखेंगे, हम कैसा सामने वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे देख के, ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसी प्रेजेंट, हमारे मन में क्या चल रहा है, दैट नोबडी कैन अंडरस्टैंड। हाँ, लेकिन बात करने के तरीके से सामने वाला आजकल बहुत समझदार होता है, वो समझ ही जाता है। ऑलवेज मेक अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट जब आप लिखोगे तो डैट विल फिट इन योर माइंड, आप कोई भी काम करना भूलोगे नहीं। आप इसको अपना हैबिट में बना लीजिए कि एवरी डे नाइट को मुझे टू डू लिस्ट बनाना है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या काम करना है। सारे काम आप नोट डाउन कीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो भी अन इम्पॉर्टेंट लगे सारे। इससे क्या होगा ना, आपसे कोई भी काम मिस आउट तो होगा ही नहीं और घर और बाहर दोनों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। मैं बहुत सालों से टू डू लिस्ट बना रही हूँ और अभी तो मुझे मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे बिल्कुल याद रहता है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या काम करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है और एकदम मेरे माइंड में वो जाके फिट हो जाता है। और इसी टाइम में मुझे यूट्यूब रिलेटेड काम करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि मतलब मुझे किस टॉपिक में वीडियो बनाना है, कौन सा कंटेंट मुझे मिस हो गया है मुझसे, या फिर मेरा जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ, या फिर कोई अगर टॉपिक मेरे दिमाग में है तो उसके ऊपर रिसर्च अगर करना हो तो उसको भी मैं सारी चीज़ नोट डाउन कर लेती हूँ। एवरीडे सोने से पहले ब्रीफ में अपना जर्नल लिखना ना भूले। चाहे आपका दिन बहुत अच्छा गया हो या फिर बहुत ही बुरा गया हो, आप नोट डाउन जरूर कीजिए। पूरा दिन का जो भी थॉट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव थॉट हो, उसको आप जब नोट डाउन कर दोगे आपका दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा। लिखने से आपको पता चलेगा कि विच काइंड ऑफ थॉट एक्चुअली इज कमिंग इन योर माइंड। सो अगर आपको कहीं भी कुछ चेंज करना है, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप वो कर सको। और जब आप नोट डाउन करोगे, जब आप जर्नल लिखोगे, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंट्रोस्पेक्शन। रात का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हम लोग बिल्कुल अनप्लग्ड होते हैं। सो बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए कि दिन भर आपने क्या किया है, आपका दिन कैसा गया है, खुद को खुद फीडबैक जरूर दीजिए और थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ बिताइए। दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिन आपका बहुत ही बुरा जाएगा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ है तो ये सब अप्स एंड डाउन तो होता ही रहेगा, लेकिन इससे आपको कुछ सीखना है, ना कि उदास होना है। अपनी गलतियों से सीखना है और नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को फिर से चार्ज अप कर लेना है ना। हम हमारे बच्चों को तो दिन में 100 बार बोल देते हैं कि मोबाइल ज़्यादा मत देखो, ज़्यादा टीवी मत देखो, लेकिन फिर हम ही लोग भूल जाते हैं कि मोबाइल या टीवी में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आज के डेट में ऑनलाइन वर्ल्ड का एक ऐसा जाल हमारे चारों ओर बुन चुका है कि हम भूल जाते हैं कि कौन सा चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा चीज़ हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो मोबाइल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल वर्ल्ड के साथ अपने मतलब जुड़े रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए हमें एक टाइम सेट करना होगा कि कब देखना है मोबाइल, कितना टाइम तक देखना है, और रात के टाइम पे तो स्क्रीन टाइम एकदम कम कर देना चाहिए।
अब मोबाइल जब आपके हाथ से छूटेगा तो ऑटोमेटिकली बुक्स आपके हाथ में आ जाएगा। हम पूरा दिन जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, स्पेशली बिफोर बेड हम लोग जो देखते हैं ना, उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे। तो सबकॉन्शियस माइंड वही प्रिजर्व कर लेता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड प्रोड्यूस करता है। तो हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड को जो है उसको फिल अप करना है विथ पॉजिटिविटी। अब ये पॉजिटिविटी कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली फ्रॉम द बुक्स। आप कोई भी बुक पढ़िए जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि आप मोटिवेशन बुक्स भी पढ़ सकते हो, स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट। लेकिन कोशिश ये करना है जो भी बुक आप स्टार्ट कर रहे हो, एवरी डे नाइट में बिफोर बेड एटलीस्ट उसका एक पेज आप पढ़ सको। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड प्रे। जी हाँ, हम सब कुछ करते हैं हमारे रूटीन में, हमारे एवरीडे लाइफ में, लेकिन हम यही करना कभी कभार भूल जाते हैं। सो बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। हम लोग बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हमारे नेचर को हम लोग केयर नहीं करते, जो कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है हम सब से। जो है उसका केयर हम नहीं करते और जो नहीं है उसके पीछे हम लोग भागते रहते हैं। हमें एवरी डे बिफोर बेड प्रे जरूर करना चाहिए। हम हमारी पूरी लाइफ कितना कुछ करते हैं और कभी कभार तो हम यही सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें ये एबिलिटी दिया। सो बी थैंकफुल फॉर दैट। अपना, अपने फैमिली का, अपने नेबर का, अपने रिलेटिव्स का, सबके अच्छे हेल्थ के लिए प्रेयर करें। सब हम ऐसे ही स्माइल करते रहे, ऐसे ही एक्टिव रहे। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने के लिए जो क्षमता चाहिए वो भी हमें उन्हीं से मिलेगा। और अगर किसी से गलती भी हो चुका हो तो हमें वो, हमारे पास उतना बड़ा मन होना चाहिए कि हम उसको फॉरगिव कर सके। तो इसके लिए भी हमें गॉड से प्रे करना होगा। रात का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा पीसफुल होता है। आफ्टर अ हेट्रिक डे हमें थोड़ी बहुत शांति मिलती है। दौड़ती भागती जिंदगी की रफ्तार कुछ कम हो जाती है। हम सेल्फ एनालाइज करने का टाइम मिल जाता है। सो डू समथिंग विच विल गिव यू मोर एनर्जी फॉर योर नेक्स्ट डे। एज ए ह्यूमन बींग हम बहुत कुछ स्टार्ट करते हैं। जितना जल्दी हम कुछ स्टार्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा जल्दी हम फिर बोर हो जाते हैं। और जब भी हम लोगों को थोड़ा सा भी कोई चीज़ बोर या फिर मुश्किल लगती है, हम लोग वो चीज़ क्विट कर देते हैं और फिर क्विट करना हमारी आदत उसी बन जाती है। शुरू में ये सब करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट धीरे धीरे हम जैसे जैसे ये सारे हैबिट्स को प्रैक्टिस करेंगे, ये सिंपल सा रूटीन आपके हैबिट हो जाएगा, आपके ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएगा। सो करके देखिए फ्रेंड, लाइफ और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ईजी हो जाएगा।